नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन। खेलों में राजनीति का दखल बढ़ने से देश के खेलों की बात करें तो हालात बदतर हो गए हैं। गलतियां खेल संघ करते हैं, भुगतना खिलाड़ियों को पड़ता है। हालांकि खेल मंत्रालय ने खेल संघों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल वही है, आखिर खेल से खेल क्यों हो रहा है और कब तक होगा? तो आज इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, बिगड़ गया खेल। खेलों में राजनीति अब परेशानी का सबब बन गई है और इसी का नतीजा है, आपको बता दें, भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन के चुनावों में धांधली। राजनीतिक साठगांठ और खेल संहिता का उल्लंघन करने के आरोपों में सरकार ने इनकी मान्यता निलंबित कर दी है। ऐसे में भारतीय बॉक्सिंग का भविष्य भी अब खतरे में नजर आ रहा है। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन की मान्यता रद्द होने के बाद देश के बॉक्सर्स खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन की मान्यता रद्द, क्या होगा बॉक्सर्स का? बॉक्सिंग का भविष्य खतरे में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता रद्द होने के सदमे से खेल प्रेमी उबरे भी नहीं थे कि भारतीय खेल जगत को एक और झटका लगा। यह झटका था इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन को। कारण वही, फेडरेशन के चुनाव में धांधली। इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के इस फरमान से भारतीय खेल प्रेमी तो आहत हुए ही, उन बॉक्सर्स को भी गहरी चोट पहुंची जो अगले ओलंपिक के अलावा और भी इवेंट्स में मेडल जीतने का सपना देख रहे थे। भारतीय बॉक्सर्स ने इंटरनेशनल लेवल पर अपने पंचों का जलवा कई बार दिखाया है। महिला बॉक्सर मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता तो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं और वो अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देख रही हैं। तो क्या अब उनका सपना पूरा नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है। विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर दिखा दिया कि भारतीय बॉक्सर्स के लिए भी मेडल जीतना मुश्किल नहीं है, तो क्या अब वो इतने बड़े मंच पर अपना जलवा नहीं दिखा पाएंगे? भारत में अच्छे बॉक्सर्स की एक लंबी फेरहिस्त है जो आने वाले समय में देश के लिए मेडल जीतना चाहते हैं, तो क्या इस फैसले के बाद उनकी चाहत पर भी ब्रेक लग जाएगा? निश्चित तौर पर ये बड़े सवाल हैं कि जिन खिलाड़ियों ने खेल को कई साल दिए, उनके सपने एकदम से चकनाचूर हो जाएंगे। संजय सावर्ण, MH1 न्यूज, दिल्ली। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर लगे बैन के बाद देश के खिलाड़ी दुनिया के उन बड़े इवेंट्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे जिनका हिस्सा बनने पर खिलाड़ी खुद पर नाज करते हैं। लेकिन सवाल यही है, सालों से खेल संघों पर मठाधीशों की तरह कब्जा करके बैठे देश के इन नेताओं की अंदरूनी राजनीति का खामियाजा देश के खिलाड़ी क्यों भुगते? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर बैन, क्या होगा खिलाड़ियों का? खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी। वजह थी एसोसिएशन के चुनाव में धांधली। IOA ने IOC के नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी की, मगर इस मनमानी को IOC ने गंभीरता से लिया और IOA की मान्यता रद्द कर दी। बेशक ये दो संघों के बीच का आपसी टकराव हो, मगर इसका असर भारतीय खेल और खिलाड़ियों पर पड़ा है। भारतीय खेल जगत की साख दुनिया के सामने खराब हुई तो खिलाड़ियों का भविष्य ही अधर में लटक गया। इस बैन के बाद भारत के खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में हिस्सा तक नहीं ले सकेंगे। जब खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ही नहीं लेंगे तो क्या वो खेल के प्रति अपनी उस दीवानगी को कायम रख पाएंगे जिसके दम पर वो दुनिया में भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं? ओलंपिक के दायरे में आने वाला हर खेल इस बैन से प्रभावित होगा और प्रभावित होंगे वो लाखों खिलाड़ी।
जो अपना करियर दांव पर लगाकर खेल के लिए मर बिकना चाहते हैं। कैसा लगेगा जब 2016 ओलंपिक में हमारे देश का कोई भी खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले पाएगा, जब 2012 लंदन ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीते तो हमारी उम्मीदें बढ़ गई। सारा देश उम्मीद करने लगा कि अगले ओलंपिक में इससे ज्यादा मेडल हमारे खिलाड़ी जीतेंगे। ऐसे में क्या होगा उन करोड़ों खेल प्रेमियों का जिनकी उम्मीदों को इतना बड़ा झटका लगा है? क्या इस बैन से हमारे देश में जो खेल कल्चर विकसित हो रहा था वो खत्म नहीं हो जाएगा? यानी बैन एक, मगर इसके साइड इफेक्ट्स अनेक। तो क्या हम ये माने कि सुशील और योगेश्वर का दांव, विजेंद्र और मैरी कॉम का जोरदार पंच, गगन नारंग और विजय कुमार की अचूक निशानेबाजी का मुजाहरा भारतीय खेल प्रेमी इंटरनेशनल स्तर पर नहीं देख पाएंगे? संजय सावंत, MH1 न्यूज, दिल्ली।